गाजियाबाद के नन्हे ध्रुव योगा आइडल के नाम से पहचाने जाते हैं। दरअसल जिन आसनों को सोच के आपको डर लगने लगता है उसे कुछ ही सेकंड में ध्रुव करके दिखा देते हैं। न केवल वो खुद आसन करते हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी योगा के लिए जागरूक करते हैं। आपको बता दें कि ध्रुव इस नन्ही सी उम्र में देश विदेश में भी अपने योगा के डंका बजा चुके हैं और इस कारण से उन्हें कई मेडल भी मिल चुके हैं। ध्रुव से ही हमारी टीम ने बात की और जाना कि योगा में उनका इंटरेस्ट कब से और कैसे जागा और आगे की उनकी क्या कुछ रणनीति है। मैंने 6-7 साल की उम्र से मैंने अपना योगा का करियर स्टार्ट किया। जो इनिशियल बूस्ट मुझे मिला वो मेरी नानी से मिला। नानी मुझे बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे योगा करने ले जाती थी, वहीं से मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बिल्ड हुआ। फिर मैं स्कूल में योगा टीम में भी आ गया और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स चलते गए मैं जगह जगह गया, श्रीलंका, झांसी, पंजाब, अमृतसर, वहाँ पर जीतता गया और आगे बढ़ता लगा, लोगों का प्यार मिला। ऐसे ही मेरे योगा की करियर की स्टार्ट हो गई। तो आपको सबसे कठिन आसन कौन से लगते थे जब आपने स्टार्ट किया था? आसन तो सारे ही कठिन हैं लेकिन जैसे इंसान परिश्रम करता है परिश्रम से ही सब मुमकिन है। हाँ, अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो सभी मुश्किल लगेगा। तो फिर भी अब आपके कौन से फेवरेट आसन है जो आप डेली प्रैक्टिस में करते ही करते हैं? फेवरेट आसन में जैसे मैंने रिसेंटली हैंड स्टैंड के बहुत आसन अपने में ऐड करे, डिम्बासन, चक्रासन में जाकर, बैक बेंडिंग के ज़्यादा आसन मेरे फेवरेट हैं और फ्रंट बेंडिंग और स्ट्रेचिंग पसंद है। योगा में आपके आइडियल कौन है? आइडियल रामदेव बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जो योगा को प्रमोट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योगा को इतना बूस्ट दिया है, जो इंटरनेशनल योगा डे उन्होंने स्टार्ट करवाया है, सभी एक आइडल हैं योगा के लिए और मैं चाहूँगा कि वो योगा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आप किस क्लास में पढ़ते हैं ध्रुव और कौन से स्कूल में? मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ता हूँ। आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स के बीच क्या माहौल है आपके इस योगा एक्सपोजर को लेके? मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, हमारे डायरेक्टर रमन राजा खन्ना सर, सभी बहुत सपोर्टिव हैं। तारीफ करते हैं, जब आप कुछ जीतते हो तो आपकी प्रशंसा करते हैं, हमेशा आपसे उम्मीद रखते हैं कि हाँ ये तो कुछ करेगा ही। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, जहाँ पर उसे इतना सपोर्ट मिले। आप कितने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट ले चुके हैं? मैं कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में पार्ट ले चुका हूँ। जैसे मैं श्रीलंका गया था, अभी ये कोविड महामारी की वजह से बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट ऑनलाइन हुए थे, पर मैं पंजाब पटियाला में मेरा नेशनल हुआ है, झांसी गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ। आप क्योंकि खुद 9 क्लास के स्टूडेंट हैं तो स्कूल में आप योगा के लिए कैसा माहौल देखते हैं और कितना इसमें और इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है? स्कूल में जो योगा का इवेंट है लोग तो प्रमोट कर ही रहे हैं, योगा की क्लासेस होते हैं, जब बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे अपने स्कूल में बच्चों को योगा करते हुए देख के एक दिन याद आता है कि मैं भी एक दिन ऐसे ही कर रहा हूँगा। तो स्कूल में योगा का तो इवेंट, योगा का जो प्रेमाइस है बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही और थोड़ा सा योगा के लिए होना चाहिए, हर रोज़। कुछ बच्चे ना योगा करते ही नहीं हैं, क्यों? वो सोचते हैं योगा बहुत सिंपल लोगों के लिए है, बट जब उन्हें योगा के अच्छे बेनिफिट्स पता चलेंगे, क्योंकि पर्सनली मैंने भी योगा के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा ही अनुभव किए हैं। देखो, क्लास में मुझे जल्दी याद हो जाते हैं सब कुछ, डिसिप्लिन, एक सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, यस। तो मुझे लगता है योगा को और प्रमोट करना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए। एज अ पेरेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं अरे आप ध्रुव की मदर हो, अरे आप ध्रुव की मदर हो, तो एक बहुत हैप्पीनेस मिलती है कि इतनी छोटी एज में इतना नाम कमाया और बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है। मुझे ऐसा लगता है कि योगा की वजह से ही काफ़ी ये काम है, कंपोज्ड है, पढ़ने में अच्छा है, तो एज अ पेरेंट मुझे बहुत खुशी होती है।